बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शंस टॉपिक पढ़ रहे हैं, और उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 3.5। एक्सरसाइज 3.5 में हमें बहुत सारे यानी कि फंक्शंस गिवन हैं, ठीक है, या फ्रैक्शंस गिवन हैं जिसको हमने पहले पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, उसके बाद उनको रिजॉल्व करने के बाद हमने उनको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अदरवाइज वो जो है उस तरह से डायरेक्टली जो है उनको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, या तो उसका कोई फार्मूला है ही नहीं है डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट करने का, ठीक है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा फार्मूला है नहीं। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ अब, ठीक है। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करें, इससे पहले हम यानी कि ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं। तो डिफरेंट तरह के केसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा केस आता है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो फ्रैक्शन गिवन है 3x+1 डिवाइडेड बाय x²-x-6, ठीक है। तो ये हमें एक एक्सप्रेशन फ्रैक्शन कह लें कि ये फ्रैक्शन हमें गिवन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। अब देखें यहाँ पर x²-x-6 ये डिनोमिनेटर में हमारे पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। तो इसका जो है डेरिवेटिव अगर आप देखें क्या बनता है, 2x-1, तो न्यूमरेटर में 3x+1 है, ठीक है। तो ये मतलब कि हमें वो बनाने के लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी अगर हम इसका ऊपर डेरिवेटिव बनाएं। तो इससे बेहतर ये है कि इसको हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन में जो है रिजॉल्व कर लें, उसके बाद बहुत सिंपल से हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएंगी, ठीक है, टू और मोर बन सकती हैं, ठीक है, सम ऑफ टू फ्रैक्शंस और मोर फ्रैक्शंस हमारे पास आ सकती हैं। तो वो डिपेंड करता है फ्रैक्शंस यानी कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है उसके कितने फैक्टर्स बनते हैं। तो चलें अब ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसको हम पहले फैक्टराइज करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को। ये कैसे फैक्टराइज होगा, x²-x-6 ये हमें एक्सप्रेशन की बने, इसको हमने पहले फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे होगा ये चलें देखते हैं, मिड टर्म ब्रेक करके क्या ये फैक्टराइज हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर तो ये फैक्टराइज हो जाएगा तो हमारे पास नॉन रिपीटेड या जो केस वन था हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, तब वो हमारे पास आ जाएंगे। अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स ये बनते हैं, ठीक है। इसको अगर ये सिंगल एज ए सिंगल कंसिडर किया जाए कि ये रिड्यूस ना हो सके, ठीक है, इसके फैक्टर्स ना बन सकें, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। चलें पहले देखते हैं मिड टर्म ब्रेक करके क्या इसके फैक्टर्स बन सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो दो ऐसे हमने फैक्टर्स या नंबर्स चूज करने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, -6x², ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -6x², और ऐड या सेपरेट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ऐड या सेपरेट करें तो हमारे पास दोबारा से यही टर्म आनी चाहिए यानी कि -x आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -6x² आए और जिनको ऐड करें तो -x आए। तो -3 और +2 ये दो ऐसे नंबर्स हैं या दो ऐसी फिगर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6x² आता है। चलिए मैं यहाँ पर लिखता भी हूँ इन फैक्टर्स को यानी कि मिड टर्म को ब्रेक करके, x²-3x+2x-6। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख लें, -3x × +2x ये -6x² बनता है, मतलब कि पहली ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और दूसरी क्या थी कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि जो भी साइंस है उन पर डिपेंड करता है ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, तो -3x+2x क्या है, -x रिजल्ट आता है, मतलब कि सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो हमारे पास अब ये फैक्टर आ चुके हैं, अब हमने पहले दो में से कॉमन लेना है x·x-3 और दूसरी दो फिगर्स में से भी हमने कॉमन लेना है, और इनमें से कॉमन आ रहा है 2 और ये बचेगा x-3। अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों टर्म्स में x-3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और बाकी टर्म्स क्या बचेंगे, x+2। ये दो फैक्टर्स बन चुके हैं डिनोमिनेटर वाली एक्सप्रेशन के, इसकी जगह हम पुट कर देते हैं 3x+1/x-3 × x-2, ये हमने फैक्टर्स बना लिए।
ठीक है, फैक्टराइज इसको कर लिया। अब क्या करना है, अब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। पहले तो हमने ये देखना होता है कि हमारे फैक्टर्स किस टाइप के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने फैक्टराइज करके देख लिया कि ये फैक्टराइज हो सकते हैं, रिड्यूसेबल हैं, ठीक है। रिड्यूस हो गए तो उसके बाद ये फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स बनने के बाद हमें पता चला एक्स की पावर यहाँ पर वन है मैक्सिमम, ठीक है। तो एक्स की पावर जब दोनों फैक्टर्स में वन है तो मतलब कि लीनियर फैक्टर्स हैं और नॉन रिपीटेड हैं, क्योंकि ये एक्स माइनस थ्री है, ये एक्स माइनस टू है, दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। कोई भी एक रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। तो ये केस वन है, ये भी मैं साथ साथ बता चलो, क्योंकि हमने पिछले दो तीन लेक्चर्स में हमने ये कवर किया केस वन, केस टू और केस थ्री। तो केस वन से ये रिलेटेड है। अब हम इसको उसी तरह से सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं फैक्टराइज यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन में। थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इक्वल हम लिखेंगे ए ओवर पहला फैक्टर जो है एक्स माइनस थ्री और बी ओवर दूसरा फैक्टर जो है एक्स माइनस टू, ठीक है। तो अगर आप इसकी इंटीग्रेशन देखें तो ये हम कह सकते हैं कि इन दोनों की इंटीग्रेशन के इक्वल होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां उससे पहले हमें ए और बी की वैल्यूज पता होने चाहिए। ए और बी की वैल्यूज हम देखते हैं, इंटीग्रेशन साइंस को पहले हटा देते हैं। 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x माइनस 2। अब यहाँ से हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है, दोनों साइड्स पे हम इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म्स के साथ, x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू। अब जो टर्म्स आपस में कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। इस तरह से ये x माइनस थ्री न्यूमरेटर में आ गए और यहाँ पर डिनोमिनेटर में मौजूद है। इसी तरह से ये x माइनस टू डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर न्यूमरेटर मौजूद है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों टर्म्स इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। और बाकी टर्म्स जो हमारे पास बचेंगे वो क्या है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पर x माइनस टू बच गया था, a इंटू x माइनस टू प्लस b इंटू यहाँ पर x माइनस थ्री बच गया था, b इंटू x माइनस थ्री बन गया। अब हमने हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ चुकी है और इस इक्वेशन से हमने a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे कि पहले या तो इसको हम जीरो कर दें इस टर्म को तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए को ए के लिए हम सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। चलिए ऐसा ही करते हैं हम कि इसको हम फॉर ए के लिए हम क्या करेंगे, बी का जो कॉफिशेंट है एक्स माइनस थ्री, ठीक है, इसको जीरो पुट कर देते हैं। तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, एक्स इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। मतलब कि आपने एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, थ्री, थ्री इंटू थ्री प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू थ्री माइनस टू प्लस बी इंटू जीरो, ठीक है। क्योंकि एक्स माइनस थ्री हमने इक्वल टू जीरो पुट किया या एक्स इक्वल टू थ्री पुट किया, तो आप यहाँ पुट करके देख लें जीरो हो जाता है। तो ये बन जाएगा नाइन प्लस वन इज टेन एंड ए इंटू वन, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है टेन। ए की वैल्यू तो जब हमारे पास आ चुकी है, अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये टर्म जीरो करनी पड़ेगी, और ये टर्म कब जीरो होगी, जब एक्स माइनस टू इक्वल टू हम जीरो पुट करेंगे। तो फॉर बी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू टू, यानी कि एक्स की वैल्यू हमने अब क्या पुट करनी है, टू पुट करनी है। तो चलिए पुट करते हैं, थ्री इंटू टू प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, जीरो पुट कर दिया, प्लस बी इंटू एक्स माइनस थ्री है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू टू है माइनस थ्री, अच्छा थ्री इंटू टू इज सिक्स प्लस वन इज सेवन इज इक्वल टू जीरो माइनस बी, और बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस सेवन। ए की वैल्यू भी आ चुकी है, बी की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। अब हम इसमें पुट कर देंगे और इसमें यानी कि जिसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन में जिसमें रिजॉल्व किया था, ठीक है, उस सिचुएशन में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा थ्री एक्स प्लस वन
divided by x minus 3 into x minus 2 is equal to a. A की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 10 आई है. 10 divided by x minus 3 plus b divided by, b अब यहाँ पर हमारे पास minus 7 है, b divided by x minus 2. ठीक, अब हम इसको जो है मतलब के इंटीग्रेट करते हैं. उससे पहले इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये माइनस जब बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी माइनस कर देगा. ठीक है, तो अब देखें, हमने तो इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी ना. अभी तक तो हमने क्या किया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जो है रिजॉल्व किया. ठीक है, हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है. इंटीग्रेशन के लिए इन दोनों के अलहदा अलहदा हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी पड़ेगी. डी एक्स इसके इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब इसका इंटीग्रल फाइंड करना देखें आपके लिए कितना आसान है, कि अगर आप इस 10 को अगर बाहर लेके जाएं, क्योंकि कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है, तो 1 ओवर x माइनस 3 बचता है. और x माइनस 3 का आपको पता है कि इसका यानी कि अगर फंक्शन कंसिडर करें तो इसका डेरिवेटिव 1 बनता है. ऊपर 1 ऑलरेडी मौजूद है. ठीक है, तो मतलब कि नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव वाला जो है वो केस बन चुका है. उसके बाद सेकंड वन को भी देख लेते हैं. 7 को बाहर लेके आता हूँ मैं, और 1 ओवर x माइनस 2 डी एक्स. ठीक है, ये भी वही केस है कि नीचे फंक्शन है और ऊपर डेरिवेटिव है. और इस केस में हमारे पास क्या, उसका इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन. फंक्शन यहाँ पर x माइनस 3 है, x माइनस 3 माइनस n, और ये भी नेचुरल लॉग बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2. और साथ में हम क्या करते हैं कि प्लस c लिख देते हैं, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है. ठीक है, तो मतलब कि हमारी इंटीग्रेशन जो है 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी, जो कि इसकी इक्वल आ चुकी है और बहुत आसानी से आ चुकी है. अच्छा, इसी तरह से और भी मजीद क्वेश्चंस हैं हमारे पास. 5x प्लस 8, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है. ठीक है, 5x plus 8 divided by x plus 3 into 2x minus 1, इसको हमने इंटीग्रेट करना है. अब यहाँ से देखें, अब हमें क्या पता चल रहा है, किसको हम फंक्शन कंसिडर करें, कौन सा उसका डेरिवेटिव बनता है, या फिर हम क्या सब्सटीट्यूट करें x की जगह, कि हमारे पास थोड़ी सी सिंपल फॉर्म बन जाए, हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं आसानी से कर सकें. ठीक है, तो अभी हमें इसका यानी कि नहीं समझ लग रही, तो हम इसको पार्शलाइज करेंगे, यानी कि पार्शल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे. वो कैसे हम कर सकेंगे, देखें. सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कि नीचे डिनोमिनेटर में आप देखें कि हमारे फैक्टर्स किस टाइप के फैक्टर्स जो हैं. x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, दोनों फैक्टर्स में x की पावर 1 है. जब x की पावर दोनों में 1 है, उसका मतलब दोनों लीनियर हैं और दोनों डिफरेंट भी हैं. ठीक है, एक x प्लस 3 है और दूसरा 2x माइनस 1 है, दोनों डिफरेंट हैं. जब दोनों डिफरेंट है, मतलब के नॉन रिपीटेड इसको कहा जाता है. ठीक है, और उसके अलावा जब x पावर 1 है, मतलब कि दोनों लीनियर हैं. ठीक है, नॉन रिपीटेड एंड लीनियर फैक्टर्स हैं ये, तो ये भी केस 1 है. इसको आप किस तरह से पार्शलाइज करेंगे या पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे, a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर 2x माइनस 1. मैं यहाँ तक सिर्फ बताऊंगा, आगे आपने उसी तरह से करना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, या इस तरह केस 1 हमने बताया हुआ है आपको, कि किस तरह से आपने जो है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है. उसके बाद आपके पास एक सिंपल सा यानी कि फ्रैक्शन आ जाएगी, जिसको आप इंटीग्रेट आसानी से कर सकेंगे. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2. अब हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पर लिखता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो फ्रैक्शन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15. ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमने फाइंड करना है. अब यहाँ पर क्या डिफरेंट चीज़ है, मैं आपको ये बताता हूँ, कि डिनोमिनेटर में देखें आप तो x की डिग्री क्या है, या x की मैक्सिमम पावर क्या है, वो 2 है. ठीक है, और आप न्यूमरेटर में भी देखें तो x की पावर क्या है मैक्सिमम, वो है 2. मतलब के नीचे और ऊपर x की डिग्रीज जो है वो इक्वल हैं. ये ऐसा केस आपके अगर पास आए, ठीक है, उसको सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, यानी कि एटलीस्ट जो है न्यूमरेटर में x की जो मैक्सिमम पावर है वो एटलीस्ट 1 डिग्री कम होनी चाहिए
डिनोमिनेटर में एक्स की मैक्सिमम पावर से, मतलब अगर नीचे एक्स क्यूब है तो कम से कम ऊपर एक्स स्क्वायर, यानी कि कम से कम नहीं मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्स स्क्वायर होना चाहिए, या एक्स हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इस केस में जो न्यूमरेटर में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू डिग्री जो है एक्स की वो वन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम पहले डिवाइड करेंगे, पहले चलिए डिवाइड करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 से। जब इसे हम डिवाइड करते हैं, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 आता है, और साइन चेंज हो जाते हैं उसके बाद, और रिमाइंडर हमारे पास बचता है एक्स, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर एक्स बच गया एक्स माइनस 19, ये हमारे पास रिमाइंडर है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस 19 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ठीक है। तो इसको मैं इक्वल लिख देता हूँ इसी के, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसका इंटीग्रल इसके इक्वल है, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ठीक है। इसका इंटीग्रल आपने फाइंड करना है, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, वो आप इसकी इंटीग्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल आएगा। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि दो अलग अलग फ्रैक्शन हैं, इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, वन को अलग से कर देंगे और इस फ्रैक्शन को एक्स माइनस 19 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 जो है इस फ्रैक्शन को हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, वन की तो आसान है कि ये तो एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस इसकी इंटीग्रेशन एक्स माइनस 19 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अच्छा, एक तो ये है कि हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 15 मौजूद है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 2x प्लस 2, तो 2x 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, प्लस 2 भी हम बना सकते हैं ऊपर, मतलब कि ये तो चलें सिंपल सा केस है, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस बन जाए तो हम उसको ऊपर डेरिवेटिव नहीं बना सकेंगे, ठीक है, नहीं बना सकेंगे तो हम उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम जो है इस आसान एग्जांपल को इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको मेथड क्लियर हो जाए, आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी जो है फ्रैक्शन को भी उसी मेथड से सॉल्व कर सकें, यानी कि जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन में आप उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करके ही सॉल्व करते हैं। तो हम एक्स माइनस 19 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं, और रिजॉल्व करने के बाद उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और इसकी जगह पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जगह पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने इंटीग्रेशन फाइंड कर ली है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए इसको हम रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व ये कैसे होगा, ये इसके सबसे पहले तो फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स चले बनाते हैं x माइनस 19 डिवाइडेड बाय, अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, चलिए मैं इसको ऐसा करता हूँ कि साइड पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। मिड टर्म को ब्रेक ऐसे हमने करना है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि माइनस 15x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर, और ऐड या सेपरेट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, वापस यही टर्म आनी चाहिए, यानी कि जो कि प्लस 2x है, ठीक है। वैसे कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 15x स्क्वायर आए और जिनको ऐड करें तो प्लस 2x आए, 5 एंड 3, यानी कि माइनस प्लस 5 एंड माइनस 3, ठीक है। मैं लिख के बताता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसके हमने फैक्टर्स बनाए ना इसके, तो प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अब ये दो फैक्टर्स आप देख लें, प्लस 5x और माइनस 3x को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस 15x स्क्वायर आता है, इन दोनों को ऐड करें आपस में तो आपके पास माइनस प्लस 2x आता है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती हैं।
जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी मतलब कि हमने ठीक फैक्टर्स बनाए। तो इसको चले आगे इसमें से कॉमन लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस फाइव आ जाएगा, इसमें से माइनस थ्री कॉमन आ रहा है तो x प्लस फाइव आ जाएगा। और ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों में से x प्लस फाइव कॉमन आ जाएगा, x प्लस फाइव कॉमन, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस थ्री। ठीक है, इसी तरह से फिर यानी कि आप लिख लेंगे x प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री। जब इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है यानी कि रिजॉल्व करना है तो आप कैसे लिखेंगे वो भी मैं लिख देता हूँ। एक्स माइनस नाइनटीन ओवर एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री, तो इसको हम लिखेंगे ए ओवर, ये भी देखें आप पहले तो इसके फैक्टर्स देखें, फैक्टर्स कैसे हैं, किस टाइप के हैं। यहाँ से देखें एक्स की पावर वन है, इस फैक्टर में भी एक्स की पावर वन है, मतलब कि लीनियर है, और दोनों फैक्टर्स डिफरेंट है तो मतलब के नॉन रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड एंड लीनियर फैक्टर्स हैं। तो उसी तरह से हो गया ए ओवर एक्स प्लस फाइव प्लस बी ओवर एक्स माइनस थ्री। आगे तो आपको सॉल्व करना आता ही है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, जहाँ तक मुझे समझाना था, तो बाकी क्वेश्चंस भी आप खुद से ट्राई कीजिए, ऐसा कोई पॉइंट नहीं रह गया जो आपको बताना बाकी रह गया, तो ये 3.5 आपने खुद से कम्प्लीट कर लेनी। तो यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज को भी एंड करते हैं और इस टॉपिक को भी एंड करते हैं।